वेलकम अगेन फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर द बिगनर सीरीज। आज यहाँ पर हम ओवरव्यू करेंगे कि हमने पिछले लास्ट 7-8 वीडियो में क्या क्या सीखा, एंड वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का एक टूर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और पिछला हमने जो सीखा है उसको रिकैप करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे प्यार और सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिला है। कंटिन्यू इसको बरकरार रखिए। लगातार चैनल पर लोग सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, वीडियो शेयर्स होते जा रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। सो आप लोगों के प्यार के लिए थैंक्स। सो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा ओवरव्यू। अभी तक हमने जो सीखा है कि वर्डप्रेस क्या है, वेब होस्टिंग क्या है, डोमेन नेम क्या है, SSL सर्टिफिकेट कैसे इनेबल करते हैं, इसके साथ साथ हमने हमारे ब्राउजर पर हमारे डोमेन को टेस्ट किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया cPanel के थ्रू एंड वर्डप्रेस मैन्युअली FTP के थ्रू हमने ये सारी चीजें देखी है। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का टूर। फ्रेंड्स, मुझे अभी भी जितना एक्सपेक्टेशंस है, आप लोगों की क्यूरीज नहीं आ रहे, मुझे कमेंट्स बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। सो अगर आप रियली वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन रेज करिए ताकि हम वो क्वेश्चंस को आगे आपको सोल्यूशन दे सकें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर जहाँ पर हमने स्किप किया था। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लास्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था मैन्युअली FTP के थ्रू, और हमें लास्ट में ये स्क्रीन हमें दिखाया था। यहाँ पर हम करेंगे लॉगिन पे क्लिक। सो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड जो कि हमने लास्ट दिया था। ये यूजर नेम पासवर्ड जो है ऑटो जनरेटेड है, आपने देखा होगा लास्ट उसमें। तो यहाँ पर हम इसी पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे एंड देखेंगे कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड कैसा दिखता है। सो यहाँ पर आपका एक स्टेप, एक लेवल बढ़ जाता है आपकी लर्निंग का। सो यहाँ पर ये पासवर्ड को मैं सेव कर देता हूँ ताकि मुझे ये ऑटो जनरेट पासवर्ड बार बार याद रखना नहीं पड़ेगा। सो ये ओवरलुक है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये एक मेन्यूज है जहाँ पर हम सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। पोस्ट है, पेज है, मीडिया है, कमेंट सेक्शन है, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स। सो ये सारी चीजें हैं एंड ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। ऊपर आप टॉप पर देखेंगे तो एडमिन है, एडिट माय प्रोफाइल है, लॉग आउट ऑप्शंस है एंड यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीन ऑप्शंस है कि स्क्रीन में आपको क्या क्या दिखाना है। ये है वर्डप्रेस का वेलकम पैनल, इसको आप कस्टमाइज साइट कर सकते हैं। साइट का आपका हेल्थ क्या है, एट ए ग्लांस कितने पोस्ट, कितने कमेंट, कितने पेजेस हैं, ये दिखाता है। आपकी एक्टिविटी क्या क्या हुई है वो सब सारी चीजें यहाँ पर दिखाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो एक बेसिक डिटेल्स है जो हमने वर्डप्रेस को डैशबोर्ड है। अभी मैं नेक्स्ट जब आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड यूज करूंगा तो मैं कॉमनली लेफ्ट मेन्यू यहाँ पर बोलूंगा तो आपको समझना रहेगा कि ये लेफ्ट मेन्यू है, एंड डैशबोर्ड बोलेंगे तो हमारा ये एंटायर ओवरऑल डैशबोर्ड है। सो यहाँ पर हम आगे स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस को लर्न करते जाएंगे। अगर अभी तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन हुआ हो तो नीचे इस वीडियो के कमेंट्स करिए ताकि अब आने वाले वीडियोस में वो हम पॉइंट्स को कवर कर सकें। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सो दोस्तों, बने रहिए इस वर्डप्रेस की सीरीज के साथ। अगर आपको कुछ सीखना है, अपने अंदर कुछ स्किल लेकर आना है तो ये कोर्स कंटिन्यूस कर लीजिए, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। सो मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।